तो तो मुझको बना तो हो मैं रखूंगा इस बेकरारी में आए करार सिवा प्यार के आके तू लग जा गले मेरे यार नहीं प्यार के। तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी जबरदस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल्स को पढ़ने वाले हैं इंग्लिश बोलने में या फिर लिखने में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आर्टिकल्स का अपना एक अलग ही इम्पोर्टेंस है आर्टिकल्स का यूज हम लोग क्लास वन से लेके जितने भी कॉम्पिटिशन लेवल के एग्जाम्स है इन सभी एग्जामों में आर्टिकल पूछा जाता है तो सभी लोग मानते हैं कि आर्टिकल्स तो बहुत हार्ड होता है कहाँ ए लगाए कहाँ एन लगाए कहाँ लगाए सब लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं तो चलिए मैं आज आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर करती हूँ और चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को सो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज आज क्या पढ़ने वाले? आज हम पढ़ने वाले वाले हैं? हैं आर्टिकल्स। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस टॉपिक इस से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में और बहुत सारे लोग हैं ऐसा उनका मानना है कि जहाँ पे वविल दिखे वहां पे एन कर देते हैं जहाँ पे कौन दिखे वहाँ वहां ए कर देते हैं ऐसा नहीं होता है आज मैं आपकी इस कॉन्सेप्ट को तोड़ने वाली हूँ तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल के डिफिनेशन क्योंकि आर्टिकल कहते किसे यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है आर्टिकल्स इज नथिंग इट इज पार्ट ऑफ एडजेक्टिव देखिए आर्टिकल्स जो होता है वो कुछ नहीं होता है वो एडजेक्टिव का एक पार्ट है समझिए कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं Adjective क्या होता है एडजेक्टिव एडजेक्टिव क्या होता है? जो होता है? है, जो ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन की क्या बताता है विशेषता बताता है कि कैसा है किस रंग का है कितना है ये सब चीज कौन बताता है ये सब चीज बताता है हमारा एडजेक्टिव ये सब चीज़ एडजेक्टिव बताता है तो आर्टिकल्स क्या है इसी का एक पार्ट है जैसे कि अगर मैं बोलूं मेरे पास एक कलम है तो मेरे पास कितना कलम है एक कलम है ना वो कौन बताएगा आर्टिकल बताएगा आर्टिकल जो होता है आर्टिकल्स कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स आर्टिकल्स को दो भागों में पढ़ा जाता है एक होता है डेफिनेट आर्टिकल एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल जो भी पर्टिकुलर चीज होता है जिससे जितने भी हम लोग निश्चित चीजों की बात करते हैं स्पेशल खास चीजों की तो उसके लिए हम लोग डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं डेफिनेट मतलब क्या होता है निश्चित मतलब निश्चित होता है डेफिनेट आर्टिकल का मतलब हो जाएगा निश्चित आर्टिकल तो स्पेशल जब किसी खास चीज का बोध कराना होता है हम लोग डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं ठीक है डेफिनेट आर्टिकल के अंडर हम लोग किसको पढ़ते हैं तो डेफिनेट आर्टिकल के अंडर हम लोग द को पढ़ते हैं ठीक है डेफिनेट आर्टिकल के अंदर हम लोग द को पढ़ते हैं द का यूज हम लोग कहाँ करते हैं द का यूज जब किसी खास चीज़ को जब किसी पर्टिकुलर चीज़ को हमें दर्शाना होता है बताना होता है जब किसी स्पेशल चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं या फिर दुनिया में जो एक होता है उस चीज़ को खाने के लिए हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं और जो द होता है ना उसकी प्रोनाउंसिएशन दो होती है द और दी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये मिस्टेक करते हैं मतलब कि वो ना द को कभी दी पढ़ते ही नहीं है हमेशा हर जगह द ही पढ़ने लगते हैं और कितने लोग ऐसे भी होते हैं जो द को सिर्फ दी ही पढ़ते हैं कहीं भी हो वो दी ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं जो कि बिल्कुल गलत है इन दोनों के प्रोनाशिएशन में एक रूल छुपा हुआ होता है इस रूल पे बहुत सारे लोग ध्यान नहीं जैसे कि जो द है वो हम लोग कब प्रोनाउंसिएट करते हैं और डी जो है हम लोग कब प्रोनाउंट से जानते हैं इस वर्ड के पहले हमको आर्टिकल द का यूज करना है उसके प्रोनाउंसिएशन को देखेंगे सबसे पहले क्या देखेंगे उसकी प्रोनाशिएशन को अगर उसकी प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रही है अगर उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है कॉन्सोनेंट तो उसके पहले अगर हम द लगाएंगे ना तो द को द पढ़ेंगे और जिसके पहले हम लगा रहे हैं अगर उस वर्ड की जो प्रोनाशिएशन है वो बर्बल साउंड है उसमें जो द लगाएंगे उस द को पढ़ेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं ताज, अगर मैंने बोला ताजमहल इसके पहले मैं लगाऊंगी कि द के पहले ताजमहल क्यों लग ताजमहल पहले द क्यों लग रहा है ताजमहल के पहले द इसलिए लग रहा है क्योंकि सेवन वंडर्स में से एक है जब किसी पर्टिकुलर खास चीज का बोध कराते हैं तो हम लोग द का यूज द का यूज हम लोग आगे चल के डीप में पढ़ने वाले हैं अभी मैं आपको बस ओवरव्यू दे ताजमहल के पहले हमने द लगाया अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस द का हम लोग तो प्रोनाशिएशन क्या करेंगे द करेंगे या दी करेंगे यहाँ पे ताजमहल ता प्रोनाउंसिएशन अगर मैं लिखूँ तो क्या बोलूँगी इसका फर्स्ट वर्ड को देखेंगे फर्स्ट वर्ड क्या है यहाँ फर्स्ट वर्ड फर्स्ट वर्ड यहाँ पे त है त क्या है व्यंजन है व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड है जब कॉन्सोनेंट साउंड है तो इस द को हम लोग द पढ़ेंगे क्या हो जाएगा द ताजमहल अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं जैसे कि मैं बोलूं अर्थ इसके पहले अगर मैं द लगाऊं, तब इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी अर्थ कैसे लिखाएगा तो कैसे लिखेंगे ये जो क्या आ रहा है आ रहा है, और क्या है हमारा स्वर है यानी कि तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे दी अर्थ है समझ आया इस वर्ड के पहले हम द लगा रहे हैं अगर उसकी जो साउंड है वो वोवेल साउंड है पढ़ेंगे। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो द पढ़ेंगे चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग डेफिनेट आर्टिकल निश्चित आर्टिकल को देख लिए अब देखते हैं इंडेफिनेट डेफिनेट मतलब निश्चित और इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित डेफिनेट मतलब क्या होता है निश्चित होता है इंडेफिनेट मतलब अनिश्चित यानी कि ये किसी स्पेशल चीज का बात नहीं कर रहा होगा डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल्स के अंडर हम लोग तो क्या पढ़ते हैं ए पढ़ते हैं और एन एज और एन जो है ये इंग्लिश ग्रामर में वन का वीक फॉर्म है क्या है ये वन का वीक फॉर्म और आर्टिकल ए एन का यूज़ कहाँ करते हैं आर्टिकल ए एन का यूज़ हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं किसके पहले करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले काउंटेबल नाउन और जो इनडेफिनेट आर्टिकल द है इसका यूज हम लोग काउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी कर, कर सकते हैं जिसको जान बूझ के हम लोग को अनिश्चित बनाना होता है उसके लिए भी हम हम लोग इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं और जिसको जान के हमें खास बनाना होता है पर्टिकुलर बनाना होता है निश्चित बनाना होता है उसके लिए हम लोग द का यूज़ करते हैं तो ए एन का यूज हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है और द का यूज हम लोग काउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं और अनकाउंटेबल है इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं ए और एन को पढ़ते हैं और इसका यूज करने से पहले हम लोग देखेंगे कि जो हमारा नाउन है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है कि नहीं है उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि हम लोग किसका यूज़ करेंगे इसका यूज करेंगे या इसका यूज करेंगे सबसे पहले हम लोग इसके प्रोनाउंसिएशन को देख लेते हैं तो जो ए होता है ना दो प्रणंश जब भी हम लोग स्पीच दे रहे होते हैं या फिर हम लोग जब कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं उसमें नाइन्टी परसेंट केसेस में हम लोग ए को पढ़ते हैं। ही इज अ गर्ल ही इज अ बॉय हम लोग ए नहीं पढ़ रहे होते जब हम लोग अ पढ़ रहे होते, यही है राइट प्रणंश और जब हम लोग चीज को, को जानबूझ के डेफिनेट यानी अनिश्चित बनाना होता है तब हम लोग ए को ए पढ़ते हैं जैसे कि कोई राम सिंह बाहर खड़ा है ए राम सिंह इज स्टैंडिंग देर उसको हम लोग जानबूझ के अनजान बना रहे हैं उस नाम के अलावा अगर हमें कुछ नहीं पता है तो उसको जानबूझ के अनजान ही ना बनाएंगे तो हम लोग क्या यूज करेंगे उस टाइम ए को ये ही पढ़ेंगे जब फोर्स देना हो अब पढ़ते हम लोग एन को इसके भी दो प्रोनाउंसिएशन हैं एक है अन और एक है एन ठीक है बहुत सारे ऐसे लोग है हैं जिसको एन पढ़ जो कि बिल्कुल गलत है टेन परसेंट केसेस में इसका यूज किया जाता है बट हम लोग एनी टाइम हम लोग अप जितने भी बार बार हम लोग बात कर रहे होते हैं उसमें इसको एन ही पढ़ रहे हो जो तो कि बिल्कुल गलत है तो हम लोग अन पढ़ते हैं यही इसकी राइट यही इसकी राइट हम लोग को इसको अन पढ़ना चाहिए न कि तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब आते हैं हम लोग किस पे? पोजीशन ऑफ आर्टिकल जब भी हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे तो उससे आर्टिकल का स्थान कहाँ रहेगा कहाँ हम लोग आर्टिकल्स का यूज करेंगे तो हमारा फर्स्ट रूल ये कहता है आर्टिकल के पहले हम लोग नाउन लाइन क्या लिखा गया है यहाँ पे आर्टिकल इज यूज फॉर द नाउन एंड यूज बिफोर द नाउन एंड टेक द साउंड ऑफ द नाउन आर्टिकल का जो यूज़ है के लिए करते हैं के लिए आर्टिकल्स का जो यूज है तो नाउन के लिए करते हैं नाउन के पहले करते हैं और साउंड किसका चेक करते हैं तो साउंड का करते हैं है जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं आपको बताती हूँ कि आर्टिकल ए का यूज़ कहाँ करते हैं और एन का यूज़ कहाँ करते हैं अभी मैं आपको बता देती हूँ तो ए का जो यूज़ है ना आर्टिकल ए का यूज़ का यूज हम लोग से शुरू होने, होने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं का यूज़ कहाँ करते हैं तो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं और एन का यूज हम लोग कहा करते हैं एन का यूज हम लोग से शुरू होने वाले कुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं तो जैसे कि मैं अगर एग्जांपल लूँ गर्ल मैंने एक एग्जांपल एक लिया गर्ल अब हम लोग कन्फ्यूज हैं कि गर्ल के पहले क्या लगाएंगे तो आपको करना ये है ये नहीं देखना है कि ये जी है ये कॉन्सोनेंट है इसलिए डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे ए लगा देंगे ऐसा नहीं आपको चेक किस तरीके से करना है तो आपको चेक इस तरीके से करना है कि, कि जो गर्ल है सबसे पहले आप इसकी प्रोनाउंसिएशन देखेंगे अगर आप इसको अगर आपको अगर आप इसको हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे में लिखेंगे आप लोग गर्ल ठीक है ऐसे ही लिखेंगे कि जो ग है ये क्या है ये क्या है कॉन्सोनेंट है ना व्यंजन है ना तो मैंने अभी आपको बताया है कि ए का यूज हम लोग कहाँ करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं तो जो गर्ल है इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं ना कि वहाँ पे तीन लड़कियाँ हैं वहाँ चार लड़कियाँ हैं यहाँ दो लड़कियाँ हैं ऐसे करके हम लोग गर्ल को तो काउंट करते हैं तो गर्ल है सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है कि नहीं तो गर्ड जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है ये चेक हो गया अब हम लोग ए और एन लगाएंगे तो को लगाएंगे ए को लगाएंगे या एन को लगाएंगे हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन देखें इसका प्रोनाउंसिएशन आ रहा है कॉन्सनेंट साउंड आ रहा है ग आ रहा है तो जब ग है कॉन्सनेंट साउंड है क्या लगेगा ए लगेगा तो क्या बोलेंगे अ गर् क्या बोलेंगे अ गर्ड अगर वही मैं बोलूं आवर इसके पहले हम लोग किसका यूज़ करेंगे ए का यूज़ करेंगे एन का यूज़ करेंगे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तो डायरेक्ट देखेंगे एच एच मतलब कॉन्सेंट यहाँ पे हम लोग ए लगा देंगे ऐसा नहीं ये गलत हो जाए तो क्या करेंगे तो प्रोनाउंसिएशन को देखेंगे तो क्या पढ़ते हैं लोग आवर है और ये काउंटेबल नाउन भी है जैसे कि देखिए एक घंटा दो घंटा तीन घंटा ऐसे हम लोग बात करते हैं ना इसका तो मतलब कि ये काउंटेबल नाउन है सिंगलर काउंटेबल नाउन है इसके पहले हम लोग अगर यूज करना चाहें तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या लिखे थे आवर अ आ है क्या है कर है या व्यंजन है तो बोलेंगे आ है आ क्या होता है कर होता है कर यानी कि वोवेल मैंने आपको क्या बताया है एन का यूज वोवेल साउंड से शुरू होने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग किसका यूज करेंगे एन का सभी को समझ आ रहा है चलिए हम लोग आगे बैठ मैंने अभी तक आपको क्या बताया आर्टिकल का जो इस्तेमाल है वो नाउन के लिए करते हैं नाउन से पहले करते हैं और साउंड किसका चेक करते हैं नाउन का चेक करते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आर्टिकल प्लस नाउन है इसका मतलब कि पहले नाउन के पहले किसका यूज करेंगे हम लोग आर्टिकल का यूज करेंगे जैसे कि मैं एग्जाम्पल लिखूँ क्या लिखा है यहाँ पे राम इज अ बॉय राम इज अ बॉय इसमें नाउन क्या है है मैंने आपको क्या बताया आर्टिकल का यूज नाउन के पहले करते हैं नाउन के लिए करते हैं और इसका नाउन साउंड देखते हैं ये है तो हम लोग क्या लिखेंगे ब लिखेंगे क्या है इसका जो फर्स्ट लेटर आ रहा है ब आ रहा है ना ये क्या है व्यंजन है यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड है तो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू नाउन के पहले हम लोग यूज करते हैं तो ए का यूज करते हैं यहाँ पर ए लग गया अगर वही यहां पर वर्ड रहता हम लोग उसको चेक करते आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताएं कि एम है इसके पहले हम लोग किसका यूज करेंगे ए का यूज करेंगे या एन का यूज करेंगे यहाँ पे ए का यूज करेंगे या एन का यूज करेंगे तो अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे होंगे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एम देख के ए नहीं मारेंगे आप पहले इसको चेक करेंगे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है कि नहीं तो जो एम होते हैं आई एस जितने भी होते हैं ये सब क्या होते हैं पर्सन ही ना होते हैं तो, तो हम लोग काउंट कर सकते हैं ना कि ऑयल थोड़ी है या फिर ऑयल uh, हो अगर वाटर हो और uh, अगर सैंड हो तो इन टाइप की चीज़ों को हम लोग काउंट नहीं कर सकते वो सब अनकाउंटेबल लाउन के अंडर में आता है लेकिन जो एम एल है ये तो काउंटेबल है ना फर्स्ट टेस्ट में तो ये पास हो गया कि ये सिंगल काउंटेबल नाउन है अब दूसरा कंफ्यूजन हम हमारे पास ये आएगा कि इसके ए का यूज़ करें या एन का तो जो मेरे कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे होंगे वो सबसे पहले तो इसका प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे क्या लिखेंगे आपको इतने सारे वर्ड से कोई मतलब नहीं होना चाहिए बस आपको फर्स्ट वर्ड देखना फर्स्ट वर्ड क्या है फर्स्ट वर्ड है हमारा ए ए क्या है ए हमारा स्वर है स्वर यानी कि व वोवेल साउंड से शुरू होने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन हम लोग किसका यूज करते हैं एन का यहाँ पे क्या हो जाएगा और इसको एन भी नहीं अन पढ़ेंगे नाम है नॉट एन चलते हैं हम लोग आगे हम लोगों ने फर्स्ट कंडीशन को पढ़ लिया चलिए हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड कंडीशन को फर्स्ट कंडीशन हमारा बिल्कुल ही सिंपल था नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ करते हैं आर्टिकल का यूज़ नाउन के लिए करते हैं और नाउन के पहले करते हैं और साउंड किसका चेक करते हैं तो नाउन का लिख देते हैं। नाउन? चलिए देखते हैं दूसरे कंडीशन को आर्टिकल्स प्लस एडजेक्टिव ये हमारा आर्टिकल इज़ फॉर नाउन एंड इफ एडजेक्टिव इज बिफोर द नाउन देन इट टेक्स द साउंड ऑफ एडजेक्टिव देखिए अगर नाउन के आर्टिकल का यूज नाउन के लिए होता है इतना तो आप सभी को क्लियर हो ही गया होगा और अगर नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आए तो आर्टिकल का यूज हम उस एडजेक्टिव के पहले करते हैं आर्टिकल का यूज नाउन के लिए होता है अगर उससे पहले एडजेक्टिव आए तो आर्टिकल का यूज उस एडजेक्टिव से पहले करते हैं अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि साउंड अब किसका चेक एडजेक्टिव का चेक करें या नाउन का चेक करें मैं आपको क्लियर कर देती हूँ उस टाइम पे आपको आप आर्टिकल किसके पहले लगा रहे एडजेक्टिव के पहले लगा रहे हैं आपको साउंड किसका चेक करना पड़ेगा एडजेक्टिव का ही चेक करना पड़ेगा कि एडजेक्टिव का साउंड क्या आ रहा है वो कॉन्सनेट साउंड से शुरू हो रहा है या वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ राम इज अ गुड बॉय ठीक है इसमें हम लोग नाउन कहां दे? हम लोग नाउन जो जो है है ना ये नाउन नाउन एडजेक्टिव किसे कहते हैं और प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है उसे तो श्याम इज अ गुड बॉय श्याम कैसा लड़का है तो अच्छा लड़का है गुड बॉय है तो क्या है गुड क्या है हमारा इसमें गुड हमारा इसमें एडजेक्टिव है तो अगर नाउन हो अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव का यूज किया गया हो हम लोग आर्टिकल का यूज कहाँ करते हैं तो उस एडजेक्टिव के पहले करते हैं और इसी एडजेक्टिव का हम लोग साउंड देखते हैं इसका साउंड क्या आएगा हमारा गुड क्या रहा आ रहा है ग आ रहा है ग क्या है हमारा व्यंजन है यानी कि क्या होगा कॉन्सोनेंट साउंड है तो कॉन्सोनेंट साउंड के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं ए का यूज करते हैं इज़ अ गुड बॉय ठीक है चलिए okay? तो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है इज एन इंटेलिजेंट आप लोग कमेंट में बताइए क्या ये सेंटेंस सही है आपको क्या लगता है ये सेंटेंस सही है इज अन इंटेलीजेंट कब से आप लोगों को बता रही हूँ आर्टिकल का जो यूज होता है वो नाउन के लिए होता है और नाउन के पहले होता है तो इस सेंटेंस में अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर तो कोई नाउन ही नहीं ना, नाउन मिस यहाँ पर।, पर सिर्फ एड्जेक्टिव इंटेलिजेंट का यूज किया गया है किसका यूज किया गया है इंटेलिजेंट का यहाँ पर सिर्फ क्या है adjective. नाउन तो हमारा है तो क्या हम लोग यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ करेंगे बिल्कुल नहीं करेंगे आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा इसका मतलब ये हुआ आर्टिकल का जो यूज़ होता है ना वो हम लोग नाउन के लिए करते हैं और नाउन के पहले करते हैं जो ये वाला सेंटेंस है वो बिल्कुल गलत है कितने लोग ऐसे होंगे यहाँ पे अभी भी जो तो ये बोलेंगे इंटेलिजेंट है आ रहा है हमारा वोवेल साउंड हम एन का यूज़ कर लेंगे लेकिन आप ध्यान साउंड है और आर्टिकल नाउन के लिए हो सकता है तो यहाँ पे नाउन नहीं है आर्टिकल का यूज नहीं तो बिल्कुल बिल्कुल गलत है देखते हैं हमारे अगले सेंटेंस को कीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल ये सेंटेंस को मैं सही मानती हूँ क्यों मैं इस सेंटेंस को सही मानती हूँ क्योंकि तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें यहाँ पे क्या है यहाँ पे गर्ल है और गर्ल क्या है नाउन है नाउन है और लड़की कैसी है तो इंटेलिजेंट है यानी कि जो तो गर्ल है इसकी विशेषता बताया जा रहा है कि इंटेलिजेंट है गीता जो है एक एज लड़की है इंटेलिजेंट लड़की है यहाँ तो पे ये क्या हो गया तो है एडजेक्टिव नाउन एडजेक्टिव के नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आए तो हम लोग आर्टिकल का यूज उस एडजेक्टिव करते हैं और उसका साउंड देखते हैं इंटेलिजेंट आप ई लिखेंगे ना फर्स्ट वर्ड क्या आएगा ई आएगा ई क्या है हमारा स्वर है स्वर यानी कि वेल के पहले हम लोग कर लेंगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट और हमारा नेक्स्ट ये कहता है आर्टिकल का जो यूज़ है वो सबसे पहले तो आप लोग याद रखें आर्टिकल का यूज़ नाउन के लिए तो उस सेंटेंस में नाउन होगा ही होगा अगर आपको कहीं ऐसा दिख रहा है अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो एक कंडीशन और याद रखिएगा कि ए और एन का यूज हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए होता है कभी तो भी अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ नहीं होता है तो अगर हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो अगर इस प्रकार होगा कि नाउन के पहले एडजेक्टिव है एडजेक्टिव के पहले अगर एडवर्ब आ जाए तो उस आर्टिकल का पोजीशन जो है उस आर्टिकल का जो यूज है वो हम लोग कहाँ करेंगे उस एडवर्ब के पहले करेंगे ठीक है और साउंड किसका चेक करेंगे तो उस एडवर्ब का जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है सीता इज अ वेरी गुड गर्ल ठीक है तो गर्ल हमारा नाउन है ये क्या है हमारा गुड Adjective है विशेषता बता रहे गर्ल की यहां पे very, very क्या है हमारा हमारा है है hey, hey, तो article का पोजीशन कहाँ हो जाएगा उस एडवर्ब के पहले है hey, इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग देखेंगे एडवर्ब का प्रोनाउंसिएशन वेरी hey, कैसे लिखाएगा भैर तो क्या आ रहा है आ रहा है ना ह हमारा व्यंजन है व्यंजन यानी कि कॉन्सुलेंट है किसका यूज हुआ है आर्टिकल ए का यूज हुआ है आर्टिकल्स yeah. के लिए हम लोग नाउन ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल आर्टिकल्स के आधार पर नाउन को दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है एक होता है आर्टिकल टेकिंग नाउन होता है नॉन आर्टिकल टेकिंग नाउन। एक होता है हमारा नॉन आर्टिकल टेकिंग, टेकिंग यानी कि ऐसे कुछ नाउन होते हैं जो आर्टिकल लेते हैं और कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो आर्टिकल नहीं लेते हैं अब हमें जानना है कि ऐसे कौन से नाउन हैं जो आर्टिकल लेते हैं और यहाँ पे आर्टिकल का मतलब यहाँ पे बस ए या एन से तो मैं आपको ए और एन के यूज बता रही हूँ ठीक है आर्टिकल ए एन का यूज़ कहाँ मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आर्टिकल एन का यूज़ हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के काुंटे पहले करते हैं जैसे कि बॉय है यहाँ इसके पहले हम लोग किसका यूज़ करेंगे आर्टिकल का यूज़ करेंगे तो इसकी प्रोनाउंसिएशन देखेंगे प्रोनाउंसिएशन में हमारा फर्स्ट वर्ड आएगा ब ब है ब यानी कि व्यंजन है इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे ए का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे अब वॉय हो गया ठीक है और कुछ ऐसे भी नाउन है पहले ऐसे कुछ नाउन है जिनके पहले हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं जैसे कि नॉट विथ फ्लूरल नाउन पहले हम लोग नाउन को देखेंगे अगर वो नाउन प्लूरल है जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है बॉयज बॉयज क्या है हमारा प्लूरल नाउन है तो प्रूरल नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल ए एन का यूज़ नहीं करते हैं नाउन के पहले क्या हम लोग आर्टिकल ए एन का यूज़ करते हैं बिल्कुल नहीं नहीं करते हैं चलिए देखते हैं अगले रूल को प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन के साथ हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं ये भी एक रूल है प्रॉपर नाउन के साथ हम लोग आर्टिकल ए एन का यूज़ करते हैं मेटेरियल नाउन जैसे कि वाटर के साथ हम लोग आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है है वाटर क्या हमारा है या फिर हम लोग बोल सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में कि ये अनकाउंटेबल नाउन है वाटर को हम लोग गिन सकते हैं क्या बिल्कुल नहीं हम लोग आर्टिकल article... हम लोग अनकाउंटेबल नाउन को गिन सकते हैं क्या वाटर को गिन सकते क्या? सकते हैं क्या नहीं बिल्कुल नहीं तो जो हमारा वाटर है इसको जब हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं जब ये अनकाउंटेबल है इसके पहले हम लोग आर्टिकल ए एन का यूज़ करेंगे क्या नहीं क्यों नहीं करेंगे कि जो आर्टिकल ए एन है ये इंग्लिश ग्रामर में वन का वीक फॉर्म है वन मतलब क्या होता है एक होता है इसी का ना वीक फॉर्म है पहले हम लोग ए एन का यूज़ करेंगे करेंगे अगले रूल को देखते हैं अगला अगला रूल है हमारा आर्टिकल का यूज हम लोग अपस्टेक नाउन के पहले नहीं करते हैं या फिर हमारा जो आर्टिकल है उसका यूज हम लोग ऑनकाउंटेबल नाउन के भी पहले नहीं करते तो ये रूल है कुछ रूल जिसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा अपने ध्यान में रखना पड़ेगा तब जब आप लोग आर्टिकल का यूज़ कर रहे हो तो आप लोग स्क्रीन शॉट तो ले सकते हैं और इसे आप लोग चाहे तो कॉपी में भी नोट कर सकते हैं आर्टिकल एन का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन चलिए बढ़ते हैं आगे चलिए हम लोग अब सीखते हैं बेसिक यूज ऑफ आर्टिकल ए आर्टिकल ए एंड द कहाँ कहाँ हम करते हैं एकदम तो बेसिक रूल तो। नंबर वन हमारा ये कहता है कि आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आर्टिकल ए का यूज कहाँ करते हैं सिंगुलर के पहले करते हैं के पास कॉन्ट साउंड व्यंजन वाली ध्वनि हो जैसे कि बॉय हो गया बॉय तो क्या लिखेंगे इसका फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा व है जो कि व्यंजन है यानी कि कॉन्सोनेंट है इसका साउंड क्या है हमारा कॉन्सोनेंट आ रहा है ना ये आर्टिकल ए का यूज हो क्या समझ आ गया इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ए प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन वैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका कॉन्सोनेंट साउंड हो समझ आया आर्टिकल ए का यूज़ हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं सिंगलर काउंटेबल साउंड है वो क्या है? चलिए देखते हैं अगले रूल में अगला रूल हमारा ये कहता है कि आर्टिकल एन इज यूज बिफोर सिंगलर काउंटेबल वोवेल साउंड आर्टिकल एन का यूज करते हैं? आर्टिकल एन का यूज सिंगलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं जिनके पास साउंड होता है उनके पहले हम लोग किसका यूज करते हैं तो आर्टिकल एन का यूज करते हैं स्ट्रक्चर तो क्या हो जाएगा? एन प्लस एन का यूज़ हम किसके पहले करेंगे सिंगलर काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे साउंड हो जैसे कि एप्पल तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे सिंगलर काउंटेबल नाउन है कि नहीं एप्पल को तो हम लोग काउंट कर सकते हैं ना तो मतलब काउंटेबल नाउन है अब इसके हम लोग प्रोनाउंसिएशन देखेंगे एप्पल हम लोग कैसे लिखेंगे अगर तो मैं हिंदी में लिखूँ कैसे लिखूँ तो जो फर्स्ट वर्ड है हमारा क्या है ए है क्या है स्वर है ना तो स्वर यानी कि वोवेल है तो जिसके पास वोवेल साउंड होता है उसके लिए हम तो लोग किसका यूज करते हैं आर्टिकल एन का यूज करते हैं अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आवर लिखा हुआ है आवर को तो हम लोग गिन सकते हैं इसका मतलब ये सिमिलर काउंटेबल नाउन है अब इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगी आवर। इसका फर्स्ट वर्ड क्या है आ है तो क्योंकि स्वर है स्वर यानी कि है तो के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं कौन सा आर्टिकल का यूज करते हैं आर्टिकल एन का यूज करते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया एन आवर हो गया चलिए तो बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ अगला रूल हमारा ये कहता है आर्टिकल ए एन इज नॉट फोर ऑनकाउंटेबल नाउन और प्लुरल नाउन आर्टिकल ए एन का जो यूज वो हम लोग अनकाउंटेबल नाउन या प्लुरल नाउन के साथ करते हैं लोग आर्टिकल ए का यूज़ तभी करते हैं जब हमारा नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो जैसे कि वाटर वाटर को हम लोग काउंट कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं इसलिए वाटर के पहले क्या लगेगा ए लगेगा सॉरी वाटर को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं तो इसके पहले आर्टिकल ए का यूज़ नहीं होगा अब आते हैं हम लोग दूसरे एग्ज़ाम्पल पे दूसरा एग्जाम्पल है हमारा मिल्क मिल्क भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज़ नहीं होगा अगर वही मैं यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल लिखूँ गर्ल्स ये तो हमारा प्लूरल नाउन हो गया ना पहले हम लोग कोई भी आर्टिकल का यूज करेंगे चलिए बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ अगला रूल हमारा ये कहता है कि आर्टिकल ए एन इज यूज बिफोर द नेम ऑफ दर्स नथिंग अबाउट दैट पर्सन आर्टिकल ए एन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं आर्टिकल ए एन का यूज हम लोग कब करते हैं जब हम लोग इस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं जैसे कि ये राम सिंह इस राम सिंह बारे में हम लोग इसके अगर नाम के अलावा कुछ नहीं जानते हैं ना हम तो लोग वहाँ पे आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर आपको किसी चीज़ को जान बूझ कर अनिश्चित या अनजान बनाना हो तो वहाँ पर आर्टिकल ए एन का यूज होता है और अगर आपको जान बूझ कर खास बनाना हो पर्टिकुलर बनाना हो तो आर्टिकल द का यूज होता है यहाँ पे आर्टिकल ए एन का यूज क्यों हुआ ए राम सिंह यहाँ पे क्यों हुआ, हुआ क्योंकि राम सिंह के बारे में हम लोग नाम के अलावा कुछ नहीं जानते ए राम सिंह दरवाजे पर खड़ा। खड़े मतलब कि मुझे नाम के अलावा उसके बारे में कुछ नहीं चलिए बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ आर्टिकल ए एन इज यूज बिफोर अकाउंटेबल नाउन टू रिप्रेजेंट होल क्लास ऑन काइंड आर्टिकल ए एन का यूज कहाँ होता है काउंटेबल नाउन के पहले होता है एक पूरी क्लास को दिखाने जैसे गर्ल गर्ल बोलने से किसी खास लड़की का बोध हो रहा है क्या पूरी गर्ल जाति का बोध हो रहा है जैसे कि अगर मैं बोलूँ बॉय तो बॉय क्या है पूरी संसार में जितने बॉयज हैं सबकी बात कर रहे हैं हम गर्ल बोल लें बॉय बोल लें काऊ बोल लें बफेलो बोल लें इससे पूरी दुनिया में जितने भी काउ हैं जितने भी बफेलो हैं सबके बारे में बात की जा रही है ना स्पेशल के बारे में तो बात नहीं की जा रही है तो जो पूरे क्लास को दिखा है उसके पहले हम लोग आर्टिकल ए एन का यूज़ करते हैं जैसे कि काउ गिफ्ट मिल जो काउ है ये किसी खास काऊ के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं ये काउ जो है मतलब कि पूरी गाय जाति का बोध करा रहा है इसलिए पहले हम लोग आर्टिकल ए का यूज़ किए क्यों किए हैं कि काऊ की प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगी हम लोग ऐसे ही नहीं फर्स्ट वर्ड है हमारा क्या है क है जो कि व्यंजन है इसलिए इसके पहले आर्टिकल तो उम्मीद करती हूँ अभी तक मैंने आपको जितनी बताई वो सभी चीज़ें आपको समझ आ रही हो अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं मैं उस डाउट को अगले वीडियो में क्लियर कर दूँ आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें तो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विल रन टर्निंग बाय